की दूसरी लहर की समाप्ति के बाद एक बार फिर से बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अब बाजार में व्यवसाय को रफ्तार देने के ख्याल से बैंक भी आगे आने लगे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को मोतिहारी में कई बैंकों ने मिलकर शहर के MS कॉलेज में मेगा लोन कैंप का आयोजन किया। इस दौरान लोगों के बीच 125 करोड़ रुपए के ऋण बांटे गए। आपको बता दें कि मेगा क्रेडिट आउटरीच अभियान के तहत बैंकों की ओर से शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक सहित 20 बैंकों ने हिस्सा लिया। DM शीर्षित कपिल अशोक ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर दर्जनों बैंकों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान DM के हाथों से ही लगभग 125 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। इस मौके पर DM शीर्षित कपिल अशोक ने कहा कि कोरोना के बाद व्यवसाय पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। ऐसी स्थिति में बैंकों का इस तरह का ऋण वितरण करना काफी सराहनीय कार्य होगा। उन्होंने आशा जताई कि ऋण वितरण से बाजार के व्यवसाय में काफी मदद मिलेगी। आज लीड बैंक पूर्वी चंपारण, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा यहाँ पे सभी बैंकों को कोऑर्डिनेट करके क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया है। कुल मिला के 125 करोड़ की योजनाएं क्रेडिट जो है यहाँ पे विभिन्न बैंकों के द्वारा दिया गया है। इसमें अलग अलग सेक्टर जो है कवर किए जा रहा है, कृषि विभाग के है, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के है, कुछ जीविका के दीदियों को लोन दिया जा रहा है, कुछ जो है पर्सनल लोन दिए जा रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और कुछ जो है नए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए भी यहाँ पे लोन दिए जा रहे हैं। महिलाओं को ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसिस किया जा रहा है कि उनको लोन मिले। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो राज्य सरकार केंद्र सरकार का उद्देश्य है, साथ ही में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जैसे कि कृषि विभाग है, जो हमारी NRLM की जीविका है, दीदिया है, इसके साथ साथ कृषि विभाग है, इन सबको जो है प्रायोरिटी में यहाँ पे क्रेडिट देने की व्यवस्था बैंकर्स के द्वारा की गई। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज DFS के मार्गदर्शन अनुसार आज जिला मोतिहारी में लीड बैंक होने के नाते हमने ये मेगा आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जिले के 20 बैंकों ने सहभागिता अपनी दी है। और इस कैंप के दौरान 125 करोड़ का लगभग लोन स्वीकृत और वितरित किया जाएगा, जो कि हमारे ज़िले के लिए कोविड के बाद एक बहुत अच्छा बूस्ट होगा, जहां हमारी शुरुआत होगी। और हम आशा करते हैं कि ऐसे कैंप हर माह हम लोग आयोजित करें और अपने ज़िले को राज्य में प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास करें। धन्यवाद, थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।